हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द इंडियन तवे पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लेफ्ट ओवर बिस्किट के मफिन्स। जो बिस्किट हमारे पास बच जाते हैं, जिसे हम खाते नहीं हैं, जिसे हमारे पास नमकीन मीठे सब तरह के जो बिस्किट होते हैं, फिर हमें लगता है कि हम उनका क्या करें। तो ये मेरे पास सारे मिक्स बिस्किट हैं, इसमें नमकीन भी हैं, मीठे भी हैं, मतलब जो भी बिस्किट हम बच्चे पसंद करते हैं वो सब तरह के बिस्किट है मेरे पास। तो मैं इन सबको मिक्सी में पीस लूँगी। ये मैंने इनको बारीक कर लिया है। ये मैंने कढ़ाई ली है जिसे मैंने प्रीट करने के लिए रख दी है 10 मिनट के लिए। इसके ऊपर मैं एक ये बड़ा सा बर्तन ढक दूँगी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। ये मैंने पीसी हुई चीनी ली है, या आपके पास जो भी चीनी हो, आप ब्रेकफास्ट चीनी है, जो भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने लिया है कोको पाउडर, ये मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है 1/4। अब मैंने ये 1 कप दूध लिया है गरम, इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कॉफ़ी की। कॉफ़ी से अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स करेंगे जिसमें हमने कॉफ़ी मिलाई थी। इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। हमें मिक्स ऐसे करना है कि इसमें लम्स ना पड़े। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने गर्म पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी भी मिक्स करेंगे। इसे हम कट एंड फोल्ड के मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, 2 से 3 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे भी हम कट एंड फोल्ड से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, डेयरी मिल्क है या कुछ भी जो आपको पसंद हो। इसमें हम डालेंगे अब इनो। इनो मैंने, ये मेरी छोटी चम्मच है इसलिए 1 से 3 बार मुझे आपको दिख रही है, लेकिन ये जो एक शेष पाउच आता है वो पूरा डाल देना है इसमें। इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे जिससे हमारा ये इनो पूरा एक जैसा हो जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा बेटर तैयार है। अब हम इसे अपने मफिन्स मोल्ड में फिल करेंगे। ये मैंने इसमें मफिन्स कप लगाए हुए हैं। अब इसे हम थोड़े थोड़े करके इसमें फिल करते जाएंगे। ये हमने फिल कर दिया। अब अपनी प्री हीट जो कढ़ाई है, अब उसमें हम रख देंगे। अब इसे हमने ढक दिया है। ये 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं और हमें गैस सिम रखनी है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे से मफिन्स तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा बेस तैयार करेंगे। देखिए ये भी कितने अच्छे से बने। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, इतने टेस्टी थे खाने में कि ये कोई कह ही नहीं सकता कि हमने बिस्किट से बनाए मफिन। अब हम इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखिए कितने जालीदार और स्पंजी बने हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।